उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना देहलीगेट क्षेत्र के युवक ने कर्ज व पत्नी की डिमांड से टूटकर दिल दिला देने वाली घटना को अंजाम दे डाला। सोमवार रात उसने पत्नी को गला दबाकर मौत के घाट उतारा और बाद में खुद भी फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को युवक के मोबाइल फोन में एक वीडियो मिला है जिसमें उसने आत्महत्या का जिम्मेदार अपनी सास और पत्नी की बहन को उठाया है। कैलाश गली निवासी रमेश 28 पुत्र इंद्रपाल की शादी 1.5 साल पहले रचना 25 पुत्री बाबूलाल निवासी अमरौली थाना जवां के साथ हुई थी। रमेश एक कारखाने में पावर प्रेस पर मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। वह मकान के ऊपरी हिस्से में पत्नी के साथ रहता था जबकि उसके माँ बाप व भाई नीचे के हिस्से में रहते हैं। परिजनों के मुताबिक पिछले काफी दिनों से रमेश और रचना के बीच अनबन चल रही थी। रचना अपनी माँ और बहन की बातों में आकर अक्सर रमेश से रुपयों की डिमांड करती थी। वहीं रमेश ताले के काम में नुकसान होने से कर्ज में डूबा हुआ था, इसके चलते वह तनाव में चल रहा था। सोमवार रात रमेश और उसकी पत्नी रचना खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह जब देर हुई तो छोटा भाई पहुंचा तो शव फंदे पर लटका देखा।